ओके बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। न्यू चैप्टर है ये, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर ओ लेवल में इजी चैप्टर है, ए लेवल में काफी टफ है ये। आ जाए बेटा, अस्सलाम वालेकुम, बैठिए प्लीज। जी जनाब, वर्क ये वही वर्क है जो उसको कहते हैं ना, काम करना। यू नो, मैंने आज बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ। वर्क क्या होता है? वर्क फिजिक्स में वर्क क्या होता है? गुड। हाँ भाई, व्हाट इज वर्क? सही कह रहे हो आप, ठीक है। अब उसका मतलब बताओ ना, थोड़ा फिजिक्स में बताओ। जब फोर्स किसी चीज को डिस्प्लेस करती है, वर्क इज डन। वेन एवर फोर्स डिस्प्लेसेस समथिंग, वर्क इज डन। लिखते हैं वेन एवर, ये डेफिनेशन नहीं है, पढ़ते हैं अभी। वेन एवर फोर्स डिस्प्लेसेस समथिंग, whenever force displaces something, work is done। जब भी फोर्स किसी चीज को डिस्प्लेस करेगी, वर्क डन होगा। ठीक है जी, जी बेटा कोई एग्जाम्पल दो जिसे फोर्स किसी चीज को डिस्प्लेस कर रही है। गिव मी सम एग्जाम्पल। आसान सी एग्जाम्पल हो, ठीक है, ठीक है। आप एक ब्लॉक है, इसको पुश कर रहे हैं और ये आगे जा रहा है, फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, वर्क डन है। ओके, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, वर्क डन है। आ जाए बेटा, इंजन, वालेकुम अस्सलाम। इंजन गाड़ी को धक्का मार के आगे लेके जा रहा है, इंजन, इंजन इज डूइंग वर्क। इसके अलावा बताएं और एक वर्क डन, किकिंग अ बॉल, ठीक है। जब आप बॉल को किक कर रहे होते हो तो आपका पाँव उस बॉल पे फोर्स लगाता है और थोड़ी देर बॉल के साथ साथ आगे भी जाता है। व्हेन यू थ्रोइंग समथिंग यू डूइंग वर्क, किकिंग समथिंग यू आर डूइंग वर्क। थ्रो कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? फोर्स, और जितनी देर तक मेरे हाथ में है मैं फोर्स लगा रहा हूँ। जब बॉलिंग करा रहा हूँ, फोर्स भी लगा रहा हूँ, डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ। और ओके, जब आप झाड़ू दे रहे हैं, हम झाड़ू दे रहे हैं, वाइपर मार रहे हैं, क्या वर्क डन है कि नहीं है? ऑब्वियसली है, जब वाइपर मार रहे हैं, वाइपर में और सरफेस से फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है ना, फोर्स उसको ओवरकम करेंगे तो चलेगा ना, वो फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है। जब खाना पका रहे हैं, चम्मच हिला रहे हैं खाने में, तो चम्मच में और फ्लूइड फ्रिक्शन है, आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, यू डूइंग वर्क। इवन जब आप लिख रहे हैं तो वर्क डन है। सुनो, आप कहेंगे सर ये कैसा वर्क डन है? जब आप लिख रहे हैं, देखो मैं लाइन लगा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स कवरिंग डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया? जितनी लाइन की लेंथ है। आ जाओ मेरा बेटा, जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, मैं फोर्स भी लगा रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम, और डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ, वर्क डन है। और खाना खा रहा हूँ तो वर्क डन है, मानते हैं? यू आर क्रशिंग द फूड, अप्लाइंग फोर्स कवरिंग डिस्टेंस, वर्क डन है। हम सांस ले रहे हैं तो वर्क डन है। क्या मतलब? जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं ना, हमारी बॉडी एक्सपेंड होती है, आउटवर्ड पुश करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन करती है, वी आर डूइंग वर्क। तो वर्क डन सिर्फ ये नहीं है कि चीज को ड्रैग कर लिया, पुल कर लिया, पुश कर लिया, ऊपर रख दिया। हर वो चीज जहां पे फोर्स लग रही है और डिस्टेंस कवर हो रहा है, वर्क डन है। नाउ अब मुझे सोच के बताएं, ये तो वर्क डन है, आपको बताएं, मैं फोर्स भी लगा रहा हूं, डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं, क्या ये वर्क डन है? लिसन, इट इज नॉट मूविंग, इट इज रोटेटिंग, क्या ये वर्क डन है? सोच लो, बॉडी मूव तो नहीं कर रही, बॉडी तो अपनी जगह पे टर्न कर रही है, क्या ये वर्क डन है? पंखे को, ये देख पंखा है, फैन, मैं इसको पुश कर रहा हूं, क्या ये वर्क डन है? ऑब्वियसली है, बॉडी मूव करे ना करे, वो पॉइंट जिससे फोर्स लग रही है, अगर वो मूव कर रहा है तो वर्क डन है। और एग्जांपल देता हूं, मैं आपको जरा समझाना चाह रहा हूं वर्क डन की, जरा बड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है। ये देखो मेरी हाथ, और अब मेरी पैंट भी नीली हो गई होगी,
बच गया, वो प्रीत। अच्छा भाई ये देखो, मैं हाथ यहां रख रहा हूं, ये मेरी स्किन है, इसको मैं दबा रहा हूं, क्या ये वर्क डन है? पूरी पूरी बॉडी तो मूव नहीं कर रही, स्किन तो मूव कर रही है ना। अब बच्चों को यूं करते होते ना, बच्चे भागते होते आगे आगे, बच्चे कहते यार बहुत दर्द होती है, आप छोटे होते आप भी भागते होगे यार। सो ये भी वर्क डन है, फोर्स कवरिंग डिस्टेंस। तो चाहे पूरी बॉडी मूव करे ना करे, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है अगर वो मूव कर रहा है तो वर्क इज डन। तो और एक्सपेंड करते हैं, लिखिए, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी जरूरत नहीं है, पॉइंट, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मूव्ड, when the point of application of force is moved in the direction of force, work is done. तो work done के लिए जरूरी नहीं है कि पूरी body move करे, जिस point पे force लग रही है अगर वो move करता है तो work done है। आटा गूंदा हुआ ट्रे में पड़ा हुआ है, आपने उंगली मारी तो खड्डा बन गया, तो जिस point पे force लगाई वो तो आगे गया ना, वर्क डन है, इट इज वर्क डन। कॉपी करें, अजान हो रही है, मैं लिखूंगा ज्यादा बोलूंगा कम। अब ये डायग्राम बनाएंगे आप, फ्लोर बॉडी फोर्स लगी, बॉडी ए से बी पे चली गई और इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वी अप्लाइड फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स एस डिस्टेंस के लिए, बॉडी ए से बी पे चली गई, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल मल्टीप्लाई फोर्स विद डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी एग्जाम डेफिनेशन है, व्हाट इज वर्क डन, इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दें। देखें, वर्क डन इज डेफिनेशन, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी इन सेम डायरेक्शन। ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती, अप्लाइड फोर्स होती है, अप्लाइड फोर्स आमतौर पे ऑब्जर्वर अप्लाई करता है।
जल्दी से कॉपी कर लें। जी बेटा इसकी यूनिट निकाल रहा हूं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, इसको बोलते हैं जाउल। यूनिट ऑफ वर्क डन इज जाउल। और जाउल की डेफिनेशन कैसे करेंगे, वर्क डन के नीचे लिख देंगे वन जाउल, वन न्यूटन, वन मीटर, ये जाउल की डेफिनेशन बन गई। जी जनाब, वर्क डन विल बी वन जाउल व्हेन वन न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस समथिंग थ्रू वन मीटर। लिख देता हूं साथ, वर्क डन विल बी वन जाउल, जाउल की डेफिनेशन, जाउल किसी भी यूनिट की डेफिनेशन लिखती है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसके नीचे इसकी यूनिट वन जाउल, फोर्स की यूनिट वन न्यूटन, इसकी यूनिट वन मीटर, ये जाउल की डेफिनेशन बन गई। पास्कल को भी ऐसे डिफाइन किया था हमने, याद है आपको। ओके, वर्क डन विल बी वन जाउल व्हेन वन न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय वन मीटर, डिस्प्लेसेस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय वन मीटर। व्हेन वन न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस समथिंग थ्रू वन मीटर, ये भी चलेगा, तो वर्क डन वन जाउल होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जनाब, व्हाट इज वर्क डन, एफ इनटू एस, व्हाट इज वर्क डन, एफ इनटू एस, व्हाट इज वर्क डन, एफ इनटू एस। एफ क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, एस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद रहेगा, इरेज कर दूं इसको। आप अपनी सीटें चेंज आगे पीछे बैठ सकते हैं कि आपको नजर आए पूरा बोर्ड, बेटा मैं रेस कर रहा हूं। ओके, नाउ चलिए वर्क डन कैलकुलेट करती है। स्मूथ फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर, नो फ्रिक्शन, स्मूथ फ्लोर, डायग्राम बना लें आप, कितनी फोर्स तक आ रहा हूं, आसान 20 न्यूटन फोर्स तक आ रहा हूं, और यहां से यहां तक कितनी देर तक लगाते जा रहा हूं, 20 मीटर डिस्टेंस तक, वर्क डन निकालना है। स्मूथ फ्लोर के ऊपर आई एम अप्लाई 20 न्यूटन फोर्स कवरिंग 20 मीटर डिस्टेंस, व्हाट इज वर्क डन, तो सिंपल आप कहेंगे सर वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 20 × 20 क्या आ जाएगा, 400 जाउल, जबरदस्त, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये पार्ट था। बी पार्ट मेरे बराबर आए, कॉपी करें जल्दी करें, ए पार्ट इजी है, बी पार्ट मुश्किल हो जाएगा। स्मूथ फ्लोर था बेटा, फ्रिक्शन नहीं थी, हाँ स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शन, अब है जी फ्रिक्शन, दोबारा इसी ब्लॉक को मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, बी पार्ट में स्मूथ नहीं है, इससे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, जहां इधर आए फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है, कितनी है जी 8 न्यूटन फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। सेम ब्लॉक इज पुश्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स फॉर 20 मीटर्स, बट द फ्लोर इज नॉट स्मूथ, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन इफ 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑल्सो एक्ट ऑन द बॉडी। जी मेरा बेटा, अब मेरा कितना वर्क डन है, व्हाट इज वर्क डन। ओके, मैंने वर्क डन निकालना है, सोच दे जरा, पहले कितना वर्क डन था 400 जूल्स, फ्रिक्शन नहीं थी ना, 20 फोर्स तक आ रहा था, 20 डिस्टेंस मूव कर रहा था, ये तो मस्ता ही कोई नहीं है, 20 × 20 400 आता है। अब क्या हो गया, 20 न्यूटन फोर्स लग रही है लेकिन साथ में 8 न्यूटन फ्रिक्शन भी लग रही है, व्हाट इज वर्क डन बाय द ऑब्जर्वर, वर्क डन कितना है। ओके, कितना है, इतना ही है कि डिफरेंट है, जो कह रहे हैं इतना ही हाथ ऊपर करें, तुम भी सही बोल रहे थे, पहले गलत क्यों कर रहे, जो कह रहे हैं इतना ही हाथ ऊपर करें, गुड
तीन बच्चे सही बोल रहे हैं, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। बेटा वर्क डन रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होता, आप रिजल्टेंट निकालने लग गए। आपने कहा सर ये देखिए 20 है, ये 8 है, तो 12 रह गया रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये वर्क डन नहीं होता, ये हम पढ़ेंगे, ये होता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अभी बाद में बात करेंगे। तो जब भी वर्क डन निकालना है हमें क्या करना है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज नॉट रिजल्टेंट फोर्स, इट इज अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन ही है, डिस्टेंस 20 मीटर ही है। आंसर कितना है, यही आंसर है, सेम आंसर। सुन रहे मेरी बात, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। जब भी वर्ड ना निकालना है अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, नॉट रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन नहीं होता, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, होते बात करेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको, याद कर लें इसको। ओके, अब पता क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी। हम जितना भी वर्क डन करते हैं वो एनर्जी बन जाता है, जितना भी वर्क डन करते हैं वो एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाता है। तो जब फ्रिक्शन नहीं है ना, तो आप 400 जौल वर्क डन कर रहे हो, 400 जौल उसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है, वो मूव करने लग जाएगा। अच्छा, आप यहां पे फ्रिक्शन है ना, तो आप वर्क डन कर रहे हो 400 जौल, फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट एनर्जी बनेगी। हाथों को रब करें ना सब बच्चे, जरा हाथ गर्म हो जाते हैं, होते हैं ना गर्म, फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है। फ्रिक्शन से क्या होती है, अब यहां पे भी आप सेम वर्क डन कर रहे हो 400 जौल, लेकिन सारे का सारा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं बन रहा। फ्रिक्शन कितनी है, 8 into 20, 160 जौल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, हीट एनर्जी बन रही है। 400 में से 8 into 20 वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब हीट एनर्जी बन रही है। 160 जौल हीट एनर्जी बन रही है, 400 में से 160 जौल हीट एनर्जी बन रही है। आप वर्क डन 400 जौल कर रहे हो और बाकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है, काइनेटिक एनर्जी 240 जौल्स। तो फ्रिक्शन डजंट मैटर, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप वर्क डन दोनों केस में सेम कर रहे हैं, पहले केस में सारे का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, दूसरे केस में सारे का सारा वर्क डन कुछ हीट बन रहा है, कुछ काइनेटिक बन रहा है। ओके, इसकी हम बात करेंगे। तो अगर मुझे कहा जाए व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इस पार्ट पे पूछा जाए, इस पे व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, सी पार्ट, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो मैं पता क्या करूंगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस ले लूंगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, एफ की जगह क्या ले लूंगा, फ्रिक्शन ले लूंगा, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। कितना हो जाएगा बेटा, 8 into 20, आंसर कितना आ जाएगा, 160 जौल। ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। टोटल वर्क डन 400 जौल है, 400 जौल में से 160 जौल क्या हो रहा है, हीट एनर्जी बन रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, बाकी काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। हम बात करेंगे अभी डिटेल में। तो वर्क डन मैंने क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, व्हाट इज माय एम, वर्क डन में जब भी एफ इनटू एस लगाएंगे, एफ इज नॉट रिजल्टेंट फोर्स, एफ इज नॉट रिजल्टेंट फोर्स, एफ इज व्हाट, अप्लाइड फोर्स, एफ इज व्हाट, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट, बात करते हैं जी मेरा बेटा। देखो अप्लाइड फोर्स ये है कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्टेंट होते सम ऑफ फोर्सेस, इनको जमा करें 20 में प्लस कर ले माइनस 8, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड रिजल्टेंट होता है। वैसे माइनस नहीं करते हम, ऐड करते हैं, वो माइनस तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है ना। रिजल्टेंट होता है सम ऑफ फोर्सेस, जो आप भी लगा रहे हैं, फ्रिक्शन भी लगा रही है, रेजिस्टेंस भी लगा रही है, वेट का कॉम्पोनेंट भी लगा रहा है, बहुत सारी चीजें लगा रही है। अप्लाइड फोर्स जो आपने पुश किया, ठीक है, ऑब्जर्वर ने पुश किया। ओके, आगे चलते हुए हो जाएगी प्रैक्टिस, पहले डेफिनेशन सारी लिख ले फिर बात करते हैं। अगली डेफिनेशन लिखिए एनर्जी, पहले हम डेफिनेशन पढ़ें फिर पढ़ेंगे डिटेल में। एनर्जी, सबको पता है एनर्जी क्या होती है, अबिलिटी टू डू वर्क, अबिलिटी टू डू वर्क, ability to do work। उर्दू में पता है क्या बोलते हैं एनर्जी को, तवानाई। उर्दू आती है तुम लोगों को, उर्दू में ए ग्रेड लिया, अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये स्टार आएगा तुम लोगों को। अच्छी खबर दी है, बुरी खबर दी है? नहीं, अच्छी खबर है इंशाल्लाह, सबके मेरी दुआएं आपके साथ है। अच्छा भाई, एनर्जी होते हैं तवानाई उर्दू में बोलते हैं, और उर्दू में पता कैसे डिफाइन करते हैं, काम करने की अहलियत को तवानाई कहते हैं।
कितना मुश्किल है, उर्दू बंदा सीखे कि फिजिक्स सीखे, तो इंग्लिश आसान है. अबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड वर्क डन. अबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, अबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, सॉरी इट इज व्हाट, अबिलिटी टू डू वर्क. हाँ भाई, आपका नाम क्या है? अब्दुल नाफे. आपका नाम क्या है? दाइन अमार. चले, अमार को अगर मैं मैरी कहना शुरू कर दूं, निकनेम होता है ना बंदों का, तुम्हारा नहीं बन रहा था, तुम्हारा नहीं बन रहा था, इसलिए इस कहते हैं अमार से मारी या मैरी कह सकते हैं ना, निकनेम होता है ना बच्चों का. इरशाद से शीदा, रिजवान से जानू, नो नो, जैनब से जैनी, ओके, बहुत सारे नाम होते हैं. तो इस तरीके से एनर्जी जो है ना, इट इज द निक नेम ऑफ वर्क. एनर्जी इज द निक नेम ऑफ वर्क. पेपर मैंने लिखता, समझाने के लिए बता रहा हूं. क्या मतलब? एनर्जी और वर्क डन सेम बात है. दे कैन बी रिप्लेस फॉर ईच अदर. एनर्जी और वर्क डन सेम क्वांटिटीज है. एनर्जी भी जॉल में मेजर होती है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है. वर्क डन भी जॉल में मेजर होता है, स्केलर क्वांटिटी है. हम जितना भी वर्क डन करते हैं वो एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है. तो वर्क डन एनर्जी दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. अच्छा, पहले इसके नीचे एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मेजर इन जॉल्स. लिख लें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मेजर्ड इन जॉल्स. अब मेरा भी निकनेम है, मैं आपको अपना, आप मेरे मोहल्ले में जाएंगे ना, मेरे ऐसा नाम से पूछेंगे, सुमैर कौन है, कोई भी नहीं जानता होगा. मेरे निक नेम से जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा. ठीक है, ओके. अबिलिटी टू डू वर्क, ये होता है जी एनर्जी. इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड इन जॉल्स. आगे लिखिए, वर्क एंड एनर्जी आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज. लिखिए, वर्क एंड एनर्जी आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज. वर्क एंड एनर्जी आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सो दे कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर. वर्क डन को एनर्जी की जगह, एनर्जी को वर्क डन की जगह हम कर सकते हैं यूज. फिजिकल सेम क्वांटिटीज है. जैसे जैनब और जैनी सेम बंदी के नाम है ना, जैनी कहते हैं या जैनब कहते हैं, कोई जैनब है यहां पे? शुक्र है नहीं है, नाराज हो जाती मेरे से. खदीजा को दीजा, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे. अच्छा भाई, क्या लिखा आपने? दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज, दे कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर. तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी ट्रांसफर्ड. वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड, लिख सकते हैं आप, सबसे इंपॉर्टेंट. हाँ जी, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर्ड, वर्क डन इज इक्वल टू हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बोथ एनर्जी ट्रांसफर्ड. जैसे कि मेरी बात सुनो बेटे, मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं वर्क डन कर रहा हूं ना, और मेरा वर्क डन इंक्रीज इन जीपी बन रहा है. कैच करना है, करो कैच. मैं इसको थ्रो कर रहा हूं, मेरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बन रहा है. मेरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बन रहा है. पाकिस्तानी वाली थ्रो की है तुम्हें. अच्छा, मेरा वर्क डन क्या बन रहा है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बन रहा है. थ्रो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बन रहा है. स्लोप पे लेके जा रहा हूं, स्लोप पे, और तेज भी कर रहा हूं मैं इसको, स्लोप पे लेके जा रहा हूं, फास्ट भी करता जा रहा हूं. तो मेरा वर्क डन पता क्या बन रहा है? एक तो ये हाइट गेन कर रहा है तो जीपी बन रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. स्पीड गेन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बन रहा है, और फ्रिक्शन है तो हीट एनर्जी भी बन रहा है. तो यहां पे मेरा वर्क डन क्या बन रहा है? जीपी प्लस काइनेटिक प्लस हीट एनर्जी. तो जब भी आप वर्क डन करेंगे वो कोई ना कोई एनर्जी बन जाएगा. देखो, मैं खाने में चम्मच चला रहा हूं ना, वर्क डन कर रहा हूं. चम्मच में और फ्लूइड में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है, तो मेरा वर्क डन हीट एनर्जी बन रहा है. मैं यूनिफॉर्म स्पीड से वाइपर मार रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड से वर्क डन कर रहा हूं. अब वाइपर की यूनिफॉर्म स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्स्टेंट है, हीट एनर्जी बन रही है. सुन रहे मेरी बात? तो हम जब भी वर्क डन करेंगे वो कोई ना कोई एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर? हम पढ़ेंगे आगे. आगे लिखिए पावर. हेडिंग लिखिए पावर. पहले डेफिनेशंस पढ़ लें, फिर आगे डिटेल में जाएंगे. पावर, द
देखो उर्दू में तो आप एनर्जी, फोर्स, पावर को रिप्लेस कर देते हो, फिजिक्स में अलग अलग चीजें हैं। पावर पावर क्या होता है? वर्क डन को अगर टाइम पे डिवाइड कर लें या एनर्जी को टाइम पे डिवाइड कर लें तो ये बन जाती है पावर। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम सबसे अच्छी तुमने बताई, वही लिखते हैं। पावर क्या होता है? इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। और लिख दें चले, रेट ऑफ डूइंग वर्क एक ही बात है, रेट का मतलब ही डिवाइड बाय टाइम होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कोई भी चलेगी, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ पावर का? व्हाट इज पावर? वर्क डन ओवर टाइम। देखो ना, वर्क डन पर का मतलब होता है डिवाइड बाय यूनिट टाइम, रेट का मतलब भी डिवाइड बाय टाइम होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और एनर्जी ओवर टाइम एक ही बात है, कोई भी एनर्जी ओवर टाइम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम, पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम, हीट एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम इज पावर। पावर वर्क डन ओवर टाइम, इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा? जाउल पर सेकेंड, बोलते हैं वॉट, W, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट को डिफाइन करना है जनाब, क्या करें, कैसे करेंगे? वॉट को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, वन वन लगा देंगे बस, ये फॉर्मूला लिखेंगे पावर का फॉर्मूला, भाई मुझे पता है वॉट पावर की यूनिट है, तो पावर का फॉर्मूला। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, वन वॉट इज इक्वल टू वन जाउल ओवर वन सेकेंड। वॉट की डेफिनेशन, तो पावर विल बी वन वॉट व्हेन वन जाउल वर्क इज डन इन वन सेकेंड। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो इसको स्टेटमेंट में बता देंगे कि पावर वन वॉट होगी व्हेन वन जाउल वर्क इज डन या वन जाउल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन वन सेकेंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके बेटा, अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ओके यही बता दूं कि बाद में बताऊं, बाद में बताता हूं। हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, मेन मेन टाइप्स पढ़ेंगे, वैसे एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम कुछ कॉमन टाइप्स पढ़ेंगे बस। सबसे कॉमन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? दो मार्क्स के लिए आया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बोल दो बेटी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? याद है कि भुला हुआ है? आता होगा, नहीं याद आ रहा, सोचेंगे तो आ जाएगा। कौन बताएगा पीछे वाली बेटियों में से? तुम बताओगे, इतना बोलती हो, बताओ जल्दी से, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? नहीं याद आ रही, काइनेटिक एनर्जी तो आसान है यार, काइनेमेटिक्स पढ़ा था आपने, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था ना, किससे रिलेटेड था? वेलोसिटी, मूवमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है। अभी लिखेगा नहीं, अगर आप लिखते हैं ना एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो सही बात है, लेकिन नंबर एक आएगा दो में से। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मोशन की वजह से होती है, एक नंबर आ गया। दूसरा नंबर किस चीज का है बेटा, आप बताइए जी, अक्सर सही आंसर देती हो आप, माशाल्लाह लाइक बेटी हो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? टू मार्क्स के लिए एक नंबर आएगा। एक और चीज, एनर्जी को भी साथ डिफाइन कर दो, बोलो, अबिलिटी टू डू वर्क
ड्यू टू मोशन. लिखिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन. सही बताया आपने, शाबाश बेटा. अबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, अबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन. एक नंबर क्या है? तो आप सही बोल रहे हैं, एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी. भी जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसके अंदर एबिलिटी होती है वर्क डन करने की. अगर ये रुका हुआ है, एक बॉल चलती है यार, इसको टक्कर मारेगी तो उसको गिरा देगी ना, इसको मूव करेगी ना, वर्क डन करने की काबिलियत है ना उसके अंदर, यू नो. सो एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv². काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में दो चीजें आ रही है, मास एंड वेलोसिटी, दोनों चीजों पे डिपेंड करती है. अगर दो बॉडीज हैं, एक का मास m ये जा रही है 10 m/s से, और एक का मास 3 m ये भी जा रही है 10 m/s से. दोनों की स्पीड तो सेम है लेकिन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि मास ज्यादा है. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, इनकी स्पीड क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट, दोनों की स्पीड सेम है. तो फिर अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल है. जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. अगर एक ट्रक की और एक कार दोनों की स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रक की ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मास ज्यादा है. सिमिलरली अगर दो बॉडी के मैसेस सेम है, यू नो, इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसकी स्पीड है 5 m/s, इसकी स्पीड है 10 m/s, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? b की ज्यादा होगी. काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? v² काइनेटिक एनर्जी v² के प्रोपोर्शनल होगी. इसका स्क्वायर का मतलब मुझे समझाओ जरा, क्या मतलब है? कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना x, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी स्पीड डबल है बेटा. इसकी काइनेटिक एनर्जी है, सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी x, अब एक और बॉडी है जिसकी स्पीड उससे डबल है, इसकी स्पीड 5 m/s है, इसकी स्पीड 10 m/s है, स्पीड डबल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? डबल होगी कि नहीं होगी? अच्छा सुनो, आपको नहीं मैंने बताया, ये लेवल पे हम ज्यादा बताते हैं. अगर यहां पे स्केयर ना होता ना, स्केयर ना होता, फिर आप कहते वेलोसिटी अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगी? अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 होती तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगी? अगर ये डिवाइडेड बाय 4 होती तो ये भी किससे डिवाइड होती? अगर स्केयर ना होता तो. अब स्केयर है, लिसन, अब स्केयर का काम क्या है? अगर वी मल्टीप्लाई बाय 2 होगी ना तो ये मल्टीप्लाई बाय 2² होगी, 4 times. सही बोल रहे थे आप. इसकी काइनेटिक एनर्जी x है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4x होगी. असल में पता क्या है आपको? पता है ना, स्क्वायर को वैसे लिख सकता हूं ना, v × v, दो दफा v है, तो ये 2 हो रही है, ये भी 2 हो रही है, मतलब टोटल 4 हो रहा है. डबल इफेक्ट है, v के ऊपर स्क्वायर है. तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 9 से मल्टीप्लाई होगी. अगर ये 4 पे डिवाइड होगी तो ये 16 पे डिवाइड होगी. स्क्वेयर का रिलेशन है. अगर स्क्वेयर ना होता, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, गेट इट? अब चलें, इस बात चली है तो अगर ऐसे रिलेशन हो, सपोज कोई रिलेशन है x इज प्रोपोर्शनल टू √y, तो मतलब समझ में आ गया आपको. अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? √2 से. अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? √5 से. √2 आ जाएगा, ठीक है. चले अब ये बताएं मुझे, अगर आपको ये समझ में आया तो ये बताइए, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये तो मतलब पता है आपको. अगर खाली y हो तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये डिवाइड बाय 2 होगा, पता है आपको इनवर्स रिलेशन. अच्छा, अगर यहां पे स्क्वायर होता, अब बताओ, यस, अगर ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, y मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2² इज इट क्लियर टू यू? ये वेरिएशन बहुत काम आएंगी, ए लेवल में तो बहुत काम आती है, शॉर्टकट्स होती हैं ये. लेकिन चले, मैंने यहां पे थोड़ा सा बताया आपको. तो बेटा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी. तो अगर वेलोसिटी डबल है तो काइनेटिक एनर्जी 4 times, डबल का स्क्वायर, 2² 4. अगर वेलोसिटी 3 times है तो काइनेटिक एनर्जी 3² 9 times, अगर मैसेज सेम है तो.
इज इट क्लियर टू यू? तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं यहां पे ले लूं काइनेटिक एनर्जी, अच्छा यहां पे लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और मास, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये ग्राफ बनेगा। यहां पे वी ले रहा हूं, अब पता है यू नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि वी काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पता क्या होगा, ग्राफ यू बनेगा, कर्व। कैसे आया समझा देता हूं मैं आपके नॉलेज के लिए। सपोज यहां पे v है, ये 2v है, ये 3v है, ये 4v है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी k है, यहां पे 2k काइनेटिक एनर्जी डबल, यहां पे 3k काइनेटिक एनर्जी, यहां पे 4k काइनेटिक एनर्जी। सुनो, जीरो स्पीड है तो जीरो काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ यहां से चलेगा। अच्छा, अब v स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी सपोज ये है k है, सपोज कर ली है, अब जब स्पीड डबल होगी ना, v से कितनी होगी, 2v होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगी। ये अगर 2 होगा तो ये 4 होगा, तो ग्राफ यू जाएगा। क्वाड्रेटिक कर्व पढ़ा मैथ्स में, क्वाड्रेटिक्स नहीं पढ़ा, पढ़ोगे आप लोग, ये क्वाड्रेटिक कर्व है। तो काइनेटिक एनर्जी का और वेलोसिटी का ये रिलेशन है, ठीक है। वी स्क्वायर है ना, इसलिए अगर तो वी के ऊपर स्क्वायर ना होता, सिंपल होता ना, काइनेटिक एनर्जी और यह होता, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी होता बस, तो फिर ये बनता स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। लेकिन वी स्क्वायर है तो याद कर लें, जिसके ऊपर स्क्वायर होता है ना ग्राफ, उससे नाराज हो जाता है, दूसरी की तरफ चला जाता है। जिसके ऊपर स्क्वायर है इसकी तरफ नहीं जाएगा, दूसरी की तरफ जाएगा, क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पहले हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजिशन, स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजिशन इन एनी फील्ड, स्टोर्ड एबिलिटी to do work due to position in a field। ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन लिख लें, चलें बात करते हैं। Stored ability to do work due to position in a field। बेटा potential energy की बहुत सारी types होती हैं। Gravitational field में क्या होती है, gravitational potential energy, GPE। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और डिफॉर्मेशन की वजह से होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हम 99% जीपीई पढ़ेंगे, तो ये लिख लें पहले। तो सबसे पहले लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एबिलिटी, जो नजर नहीं आ रही होती, बस स्टोर होती है एनर्जी। हां भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, Stored ability to do work due to height in the gravitational field. Stored ability to do work due to height in gravitational field. अच्छा बेटा, ये draw करें, A point, B point, इनके दरमियान distance h, एक mass को मैं यहां से उठा के ऊपर लेके जाता हूं, तो मैं इसकी GPE को चेंज करता हूं, तो ए से बी पे जाने में व्हाट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एमजीएच। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है एमजीएच। काइनेटिक एनर्जी होती है ना हाफ एम स्क्वायर, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एमजीएच। ए से बी तक जाने में जो जीपी में इंक्रीज आएगा वो कैसे निकालेंगे, एमजीएच। एम क्या है, मैस।
जी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वही 10 न्यूटन पर kg। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और एच क्या है? हाइट। तो ए से बी तक जाने में हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? mgh। बेसिकली पता कैसे आया? हमने वर्क डन करना पड़ेगा ए से बी तक जाने में, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स वेट के इक्वल लगानी पड़ेगी, वेट इंटू हाइट, और वेट होता है mg, mgh ये बन जाएगा। और वर्क डन कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है? इंक्रीज इन जीपी में। ऐसे आए f इंटू एस से ही आए फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं चाहिए, याद करेंगे। तो कैसा ग्राफ बनेगा चेंज इन जीपी का और हाइट का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेट कांस्टेंट है तो जीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन बनेगा। और इसकी स्लोप पता किसके इक्वल होती है? कांस्टेंट के। जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ ऐसा बनता है, और इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट के इक्वल होती है। यहां पे कांस्टेंट वेट है mg, इसकी स्लोप mg के इक्वल है। लिख लें, बाद में बात करेंगे। द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू हाइट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड चेंज इन जीपी, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन जीपी का फॉर्मूला होता है mgh। लास्ट डेफिनेशन लिखिए आज के लिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ रहे। लिखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू, द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन, द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन। किसी को स्केल है? छोटा बड़ा स्केल किसी के पास नहीं है? है, मिल गया। हाँ भाई, जब आप चीजों को डिफॉर्म करें तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, पता है आपको? स्प्रिंग को कंप्रेस करें, डिफॉर्म कर दिया ना, एनर्जी स्टोर हो गई। रबर बैंड को खींचें, खींच के जरा मुंह के पास रख के मारें, एनर्जी स्टोर है। स्लिंग शॉट नहीं करते होते अब यूं करके, कैटापुल्ट खींचते हैं तो डिफॉर्म करते हैं ना, एनर्जी स्टोर। इसको डिफॉर्म कर रहा हूं, एनर्जी आ गई है, यू नो, यूं करके जोर से लगता है, यू नो, एनर्जी स्टोर होती है यूं। तो इसको डिफॉर्म किया है, एनर्जी स्टोर हो गई है। कोई चीज रखोगे तो छलांग मारेगी यूं, यू नो, यूं मुंह पे लगेगी तो जोर से लगेगी। तो जब चीजों को डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म करने से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, कंप्रेस करने से, लेंथ के चेंज करने से या एक्सटेंड करने से, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू। द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में आ जाता है चेंज इन लेंथ, शेप, वॉल्यूम एटसेट्रा। द स्टोर्ड एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन। बेटा कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज तो डेफिनेशन पढ़ी हैं, कल आगे चलेंगे। कल नहीं, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टॉप करो।